हेलो मेडो फैमिली, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम फिर से आ चुके हैं बिल्कुल पावरफुल प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग लेकर, एकदम प्रोफेशनल हेयर एडिटिंग लेकर के आ चुके हैं, ठीक ना। तो आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस वाले फोटो को बिल्कुल प्रोफेशनल एडिटिंग कैसे किया है, ठीक ना, ताकि आप लोग एकदम प्रोफेशनल पावरफुल फोटो एडिटिंग कर सके, ठीक ना। आप ही लोग के लिए कहें, अगर चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेयर एडिटिंग अगर सीख बिंदास सीखिए, एकदम न्यू ट्रेंड है एकदम हेयर एडिटिंग, ठीक ना। अभी आप लोग हेयर एडिटिंग को नहीं सिखाने वाला, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए और खतरनाक से खतरनाक हेयर एडिटिंग सीखते रहते। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे हमने, मतलब जो जो प्रोसेस करके मैंने फ़ोटो को, इस वाले फ़ोटो को इस तरह से एडिट किया है, तो वो प्रोसेस आप लोगों को बिल्कुल ही बारीकी से एकदम मतलब जीरो लेवल से बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी एकदम पावरफुल फोटो एडिटिंग कर सके फुल HD प्लस HDR में हाई क्वालिटी के साथ। ताकि देखिए एकदम रियल आप लोग देखिए, जब फोटो खिंचाते होंगे तो देखिए टेक्सचर और हाई टेक्सचर का और हेयर में वैल्यूम का पता ही नहीं चलता है, ठीक ना, कि कितना वैल्यू है और टेक्सचर कहाँ है, सब पता ही नहीं चलता है। देखिए फोटो का अलरिंग बरारिंग सब हो गया। तो इस टाइप के फोटो को हमने फुल HD प्लस HDR में देखिए एकदम हाई क्वालिटी के साथ एडिटिंग किया है। हेयर देखिए में एक एक टेक्सचर दिख रहा है। तो आप लोगों को बताने वाला हूँ इस टाइप की एडिटिंग कैसे करना है, एकदम न्यू ट्रेंड है ये चीज़, ठीक ना। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, ऐसा एडिटिंग सिर्फ आप लोगों को मेरे ही चैनल पर मिलेगा। एकदम न्यू चैनल है, प्योर न्यू चैनल है, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक। आप लोगों को बिलीव ना हो तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, ऐसा हेयर एडिटिंग सिर्फ आप लोगों को मेरे ही चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, बाकी मेरे बाद ही आप लोगों को सिखाएगा, ठीक ना। तो चलते स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को अपने फ़ोन में एडिटिंग करना है। तो आप लोगों को फ़ोन में कहाँ से एडिटिंग करना है, आप लोगों को फ़ोन में यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोगों को एडिट वाले ऑप्शन पाना है। तो एडिट वाले ऑप्शन पाने के बाद क्या चीज़ करना है, देखिए आप लोगों को फिर एडजस्ट वाले ऑप्शन पाना है, ठीक ना। कॉन्ट्रास्ट को हम लोग हल्का इंक्रीज करेंगे, हम लोग सेचुरेशन को पूरा फुल कर देंगे, हाईलाइट को हम लोग कम करेंगे, फिर शेडो को हम लोग इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर ब्रिलियंस को इंक्रीज करेंगे, फिर शार्पनेस को इंक्रीज करेंगे। इतना हो जाने के बाद हम फोटो को डन करेंगे। डन करने के बाद फोटो को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आप कहेंगे भाई ये कौन सा प्रोसेस बता रहे हो, फोटो इतना ख़राब हो गया कैसे एडिटिंग होगा, ठीक है। तो आपका भाई सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगा, ताकि आप लोग भी मेरे से भी खतरनाक एडिटिंग करना सीखिए, ठीक ना। एकदम न्यू ट्रेंड है आप लोग के लिए, ऐसा एडिटिंग सिर्फ फिलहाल मेरे ही चैनल पर मिलेगा, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और लेटेस्ट में जितना भी टिप्स एंड ट्रिक्स है सारा चीज़ लेते रहिए, ठीक ना। तो अभी हम लोग इस वाला फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए हम लोग इस वाले फोटो को लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ले आने के बाद कैसे कैसे कलर एडजस्टिंग करना है, कैसे कैसे कलर ग्रेडिंग करके हाई क्वालिटी में फोटो एडिट करना है। देखिए लो क्वालिटी तब जमाना गया, ठीक ना। हाई क्वालिटी फुल HD प्लस HDR 4K फोटो एडिटिंग करना है, ठीक ना। बिल्कुल बवाल तरीके से सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन किए रखिएगा, आप ही लोग के लिए कह रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए हम लोग को आना है लाइट वाले ऑप्शन पर। कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा, एकदम ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। हाईलाइट को भी हम लोग हल्का सा कम करेंगे, शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक ना। वाइट को भी हम लोग हल्का सा कम करेंगे, फिर कलर वाला टूल पाएंगे, फिर मिक्स वाला टूल पाना, रेड वाले कलर का सेचुरेशन कम करते जाना, ठीक ना। और लुमिनस को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद देखिए अब कौन सा कलर हम लोग को फेस से मैच कर रहा है, बिल्कुल बवाल तरीका आपका भाई बताएगा एडिटिंग का, ठीक ना। तो देखिए हम लोग को फेस इस वाले कलर से मैच कर रहा है, ठीक ना। तो हम इस वाले कलर पर आ जाएंगे और इस वाले कलर का लुमिनेंस को देखिए इंक्रीज करेंगे, सेचुरेशन कम करेंगे। देखिए बिल्कुल बवाल तरीके से हम लोग का फेस देखिए कितना हाई क्वालिटी के साथ वाइट हुआ है, ठीक ना। तो आपका भाई ने कहा बिल्कुल प्योर तरीका बताएगा एडिटिंग का, ताकि आप लोग मेरे से भी खतरनाक एडिटिंग कर सके और मेरे तरह एडिटिंग कर सके, ठीक ना। तो कुछ इस तरीके से सारा कुछ आपका भाई बताएगा, ठीक। सेचुरेशन हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक ना, येलो वाले कलर का, फिर ग्रीन वाले कलर का भी हम लोग सेचुरेशन देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग बढ़ा लेंगे, सेचुरेशन बढ़ा लेंगे। और ह्यू को हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, ताकि बैकग्राउंड हम लोग का ऑरेंज हो जाए, ठीक ना। तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक। इतना होने में हम लोग यहाँ फोटो को अब ब्लू वाले कलर टूट पाएंगे, ठीक ना। तो ब्लू वाला कलर टूट पाने के बाद इसका सेचुरेशन हम लोग कम करेंगे, ताकि जो हेयर है हम लोग का वाइट हो जाए, ठीक ना। सेचुरेशन कम करेंगे, फिर लुमिनेंस को इंक्रीज करेंगे, हेयर देखिए हम लोगों का वाइट होगा। अगर मैं आपको बिल्कुल बवाल तरीका बताऊँगा एडिटिंग का, सिर्फ आप लोग सपोर्ट देखा है, ठीक ना। आप लोग आपका सपोर्ट है तभी मैं ये सब सारा किसी नया ट्रेंड आपको बता पा रहा हूँ, ठीक ना। तो और ख़तरनाक तरीके से सीखना चाहते हैं तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बस सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि आप लोग देखिए मेरा सब्सक्राइबर नहीं है, आप लोग मेरे बेस्ट फीलिंग है, ठीक ना। सब्सक्राइबर मैं आप लोगों को सब्सक्राइबर नहीं मानता हूँ, आप लोगों को मैं अपना बेस्ट फीलिंग मानता हूँ, ठीक ना। मतलब मैं आप लोगों से अच्छा महसूस कर पाता हूँ, ठीक ना। क्लैरिटी को इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से, ठीक ना।
अभी यहाँ शार्प से शार्पनेस को मतलब 15 से 12 के बीच में रखना है, ठीक ना। ये चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक। फिर डिटेल्स को 40 के रेंज में रखेंगे। फिर यहाँ से हम लोग फोटो को सेव करके कहाँ पर चलेंगे, ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं आप लोगों को पूरा डायरेक्ट मतलब हेयर एडिटिंग बताने वाला हूँ कि हेयर एडिटिंग कैसे किया जाता है। आप लोगों को फेस स्मूथ बवाल तरीके से फुल एच डी प्लस एच डी आर में प्लस में ऑयली स्मूथ भी करने आप लोगों को सिखाई हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, वीडियो नहीं वॉच किए होंगे तो वीडियो पड़ा हुआ है बहुत सारा, बिंदास जाके सीखिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। आप ही के लिए सारा कुछ है, ठीक ना। तो देखिए इतना होने के बाद देखिए क्या करना है हम लोग को, आना है कहाँ पर, आना है नीचे, आना है नीचे, आने के बाद यहाँ पर आना है हम लोग को। देखिए हेयर एडिटिंग करने के लिए कौन सा ब्रश लेना है हम लोग को, देखिए हेयर एडिटिंग करने के लिए वाला ब्रश लेना है। फिर ब्रश लेने के बाद देखिए क्या होगा, सेटिंग किस तरफ से रखना है ताकि हम लोग का हेयर थोड़ा सा ऑयली और फुल एच डी प्लस में एच डी आर में एडिटिंग हो, हेयर कोई फुल एच डी प्लस एच डी आर में एडिटिंग करना, ठीक ना। देखिए फॉलो स्ट्रेंथ को नहीं रखना है, साइज अपने हिसाब से रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग को हेयर देखिए अच्छे से बनाना है, पहले देखिए ब्रश से अच्छे से हम लोग को बना लेना है, ठीक ना। थोड़ा सा फॉलो को हम लोग बढ़ा लेते हैं, देखिए बस थोड़ा सा मतलब ब्रश से अच्छा से हम लोग डिज़ाइन कर लेना है, मतलब हेयर किस टाइप से रखना है ब्रश चला के हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। हेयर एडिटिंग का जितना भी तरीका होता है, जैसे जैसे हेयर एडिटिंग करता है आपका भाई एकदम नया तरीका, एकदम बवाल तरीके से सेम वही प्रोसेस बताएगा ताकि आप लोग भी बिल्कुल बवाल तरीके से एडिटिंग कर सके, ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग को टेक्सचर और ब्रश चला लेना, ठीक ना, ताकि फ़ोटो में बवाल लुक आ जाए। वही तो आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा कि भाई आप भी लिपा पोती का काम सिखा रहे हो। नहीं भाई, मैं आप लोग को लिपा पोती का काम नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा, लिपा पोती के काम से आप लोग को दूर कर दूंगा। आप लोग को यूट्यूब पर देखिए ऐसे ही बताया जाता होगा, देखिए यहाँ पर आप लोग बस ऐसे ही लीपना बताया जाता होगा, तो लीपना नहीं है, आ चुका है आपके भाई मिस्टर फोटो डिजाइनर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के, ठीक ना। ये बताइए कोई हेयर है, हाँ ये हेयर है, इसको कोई हेयर कहेगा, इस तो लीपा पेंटिंग हो गया ये तो। ऐसा एडिटिंग नहीं करना है, ठीक ना। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर बस सपोर्ट दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर लिपा पोती का नहीं काम करना तो करना क्या है, हेयर एडिटिंग करना है, ठीक ना। तो देखिए आप लोग का ड्रीम ब्रश कौन सा ब्रश, ड्रीम ब्रश का परफेक्ट सेटिंग आप लोग का देखिए बता दे रहा हूँ, रियल सेटिंग ड्रीम ब्रश का जितना पर मैं करता हूँ वही सेटिंग आप लोग बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरे तरह एडिटिंग करना सीखिए। देखिए सेटिंग को जिस तरीके रहेगा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। देखिए अब देखिए हेयर में टेक्सचर देखिए हम लोग कितना बवाल तरीके से लग रहा है, ज़्यादा लगाइएगा तो छेछा मतलब पेंसिल लिखा हुआ दिखने लगेगा, ठीक ना। नॉर्मल लगाइए, कम टेक्सचर लगाइए, रियल फोटो एडिटिंग कीजिए। देखिए हम लोग कुछ इसी तरीके से बवाल तरीके से एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक ना, ऐसे ही टेक्सचर लगा लेना, ठीक। तो सारा कुछ आप लोगों को देखिए भाई सिखा दिया ना ऐसे टेक्सचर लगाना है। तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।